कि क्या सचिन मनीषा को आपने क्यों नहीं बुलाया, क्या सचिन मनीषा से या उसकी मम्मी से या प्रिंस रंजना से आपका पहले जैसा रिलेशन नहीं है, या क्या रीज़न है, आपने सिर्फ रुद्र पूजा को और काजल मिथिन को ही क्यों बुलाया, आपने अमित भाई को, जो अमित किट्टो यू नो वेरी वेल, जो हमारे बहुत करीबी हैं, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह का कुछ यूँ नज़ारा है कि अभी मैं नीचे हूँ, अभी जस्ट निशा का कॉल आया था कि थोड़ी देर में पहुँचने भी वाली है, यानी मायके से वो रिटर्न बैक आ रही है अपने ससुराल। मम्मी पापा जी भी है साथ में, वो लोग। चलिए, आप लोग भी बने रहे हैं और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। वो आती है तो दिखाता हूँ आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, कितने सोई हुई है? अजी लग गया। हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि निशा फाइनली पहुंच चुकी है ससुराल। और ये एक्चुअली ये क्यों गई थी जरा बताइए। क्योंकि हमारे जो अमनौर का, जहाँ पे हम लोग जिस गांव में रहते हैं, वहाँ का पूरा लाइट कट हो चुका था दिन से लेके दोपहर के 2 बजे तक। और दोपहर के 2 बजते ये खबर आया कि 2 दिन तक लाइट नहीं रहेगी, तो इसके मम्मी पापा को गांव जाना था। वो लोग जा रहे थे यहाँ से, बोले कि तुम भी चलो, बाबू परेशान हुए कि, तो और जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ, जिस अंकल के घर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी चल लेते हैं, बाबू परेशान हो गए तो सबको यहाँ से बोला कि हाँ चले जाओ 2 दिन के लिए, फिर तो आना ही है, तो इसीलिए मैं भी चली गई उस दिन। तो ये वो रीज़न था कि सडनली जाना पड़ा, तो बहुत लोग उसके लिए कमेंट्स करते। बट आज का ये जो ब्लॉग है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंगेजमेंट को लेके है, और हाँ बेटा, जो इंगेजमेंट हमारे भाई की हुई तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ तो ऐसे थे जो मुझे डिलीट करने पड़े थे, और बहुत ऐसी बातें थी जो शायद हम लोग इतने बिजी थे, क्योंकि हम लोग जस्ट कोलकाता से आए ही हुए थे और एक दिन बाद सगाई थी, तो जिसके कारण हमें समय ही नहीं मिल पाया कि हम लोग उतने अच्छे से आपको भी हर उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर पाते या बता पाते। या बहुत सारा हम लोगों ने वीडियो शूट ही नहीं किया बहुत जगह, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हुआ बहुत सारे लोगों को। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो ये था कि क्या सचिन मनीषा को आपने क्यों नहीं बुलाया, क्या सचिन मनीषा से या उसकी मम्मी से या प्रिंस रंजना से आपका पहले जैसा रिलेशन नहीं है, या क्या रीज़न है, आपने सिर्फ रुद्र पूजा को और काजल मिथिन को ही क्यों बुलाया, आपने अमित भाई को, जो अमित किट्टो यू नो वेरी वेल, जो हमारे बहुत करीबी हैं, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। तो बहुत सारी इस तरह की क्वेश्चंस वगैरह थी जो आ रही थी, और कहीं ना कहीं उन लोगों के भी ब्लॉग्स में आ रही थी, जैसे कि मम्मी जी से मेरी बात हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो सब कुछ मैं आप लोग को आंसर दूँ उन सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि निशा भी आ चुकी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्योंकि गाइस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें, ताकि आप कम से कम जान जाए और क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपको आज शेयर कर देते हैं। तितली मेरी आम खा रही है बेटा, बैठ जाओ तो इधर बैठ के आम खाओ ना। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सचिन मनीषा को आपने क्यों नहीं इन्वाइट किया। इसकी मेरे घर का चाहे कोई भी कैसा भी फंक्शन हो, हम लोग सचिन भाई को ज़रूर बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम लोग उनको यही समझते हैं। हमें नहीं पता कि कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता, बट लिटरली हमारी जो फीलिंग है वो चीज़ मैं आप लोग को आज क्लियर ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। और ना ही कोई ऐसा हमारे उनके बीच कोई रिलेशन के, चलो भाई ब्लॉग चलाना है तो उनको बुला लो, ये इस तरह का, हाँ वो रहते हैं, मेरा ब्लॉग चलता है नो डाउट, बट ये मेरा मेन मोटो नहीं है। कभी भी हमारे लिए यूट्यूब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि अपना काम वगैरह छोड़ के और हम पूरा ये करें ब्लॉगिंग। वरना अगर मैं सगाई में भी देखते ना गाइस, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट किया, अगर मैं चाहता तो 8-10 ब्लॉग बन जाते मेरे सगाई के, लेकिन उतना मतलब हमें इंटरेस्ट नहीं है जो चीज़ें हैं। लिटरली आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने इंसिस्ट किया, तो हम लोग फिर से ब्लॉग बनाना शुरू किया। वरना जब हम लोग अम्बाला से चले आए थे यहाँ पे, जो है मेरी बेल के हमारे स्कूल वगैरह है, काम है, शॉप है, तो समय नहीं मिलता है। निशा की भी बच्चा है, घर है, ससुराल है, सब कुछ संभालना है, करना धरना है, तो डेट्स वाई। तो सचिन भाई को हम लोगों ने इनवाइट किया था, बताया था, बट सडनली क्या हुआ था कि वहाँ पे पापा जी पहुँच गए थे, और वहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट थे, एक्चुअली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पापा जी अध्यक्ष हैं, सिवानपुर एक डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है, तो वहाँ पर कुछ मीटिंग वगैरह थी जिसके कारण सचिन भाई को वहाँ पर रुकना पड़ा। तो उन्होंने बताया भी मुझे कि इस तरह से पापा आने वाले हैं कि अब तो कम चांसेस है, हालांकि वो उनका पूरा प्लान था यहाँ पे, मतलब जिस दिन सगाई थी पहुँचने का, तो इसके कारण सचिन भाई और मनीषा भी नहीं है। रह गई बात उनकी मम्मी की कि उनकी मम्मी को मैंने क्यों इनवाइट नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूजा को कॉल किया था, उनकी सिस्टर को, और पूजा को कॉल किया था, तो निशा ने भी मेरे को बोला कि आप सबको इन्वाइट कर दीजिए, मैं भी थोड़ा बिजी क्योंकि ये भी आई थी तो काम वगैरह था।
क्योंकि इनका कपड़ा थाम। इनका कपड़ा वगैरह सारा कुछ, तो मैंने सोचा कि सचिन भाई की मम्मी जी को अगर मैं कॉल करूँ तो पापा जी तो गार्जियन है, मैं पापा जी को कॉल किया तो मुझे लिटरली नहीं पता था गाइस कि मम्मी जी पापा जी के साथ नहीं है। पापा जी का ये मैंने बोला नमस्ते पापा जी कि देखिए ना एक ऐसा चीज़ है कि हिमांशु की सगाई है और आप सभी को आना है, क्योंकि मुझे लगा वो सिवान में है। दो दिन पहले मैंने उनको बोलना, मतलब उन लोगों को पता था कि हाँ चीज़ें चल रही है, बट मैं सोचा कि चलो पापा जी को बोल दूंगा सगाई में आने के लिए, तो मैंने फ़ोन किया था। हालांकि सबको दो दिन पहले से मैं इन्वाइट कर, क्योंकि दो दिन पहले तो मैं यहाँ आया था तो मैं सबको इन्वाइट कर रहा था। तो पापा जी का ने मुझे बोला ना कि देखिए ना पंकज जी की बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं, लेकिन हम लोग तो आ गए हैं अंबाला आए हुए सचिन के पास कि जा अभी है हम लोग शिमला। तो मुझे लगा कि मम्मी जी भी वहाँ पर, जब हम लोग गए हैं यानी मम्मी जी भी पापा जी के साथ ऑलमोस्ट जाती है हमेशा साथ में, मैक्सिमम जो होता है 80-90% मम्मी जी साथ में, तो मुझे लगा कि मम्मी पापा जी दोनों आदमी यहाँ आ गए हैं। तो फिर से मैंने पूजा को, पूजा के हस्बैंड को भी फ़ोन किया कि देखिए ऐसा सा बात है कि आप पूजा को ज़रूर लेके आइएगा, बट उनके भी घर में मतलब अब लोग वो लोग बैंगलोर से आए हुए हैं और उनके चाचा के कुछ फंक्शन वगैरह था, शायद सगाई या था या कुछ था, तो इसके कारण वो लोग भी नहीं है। प्रिंस रंजना का मुझे लगा था कि वो लोग यहाँ पे नहीं है, वो लोग बाहर ही है, क्योंकि वो लोग कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा था थोड़ा बहुत वीडियोस, और हम लोग वीडियोस भी किसी का नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ एक तो हम ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते वक्त कितना नेटवर्क रहता है ये आप लोगों को पता है, और अपना ब्लॉग डाल दे वही बहुत था, क्योंकि हम लोग वहाँ कोलकाता गए, राहुल भाई के घर पे गए, फिर मस्ती घूमने वगैरह चले गए थे, तो नहीं देख पा रहे थे किसी का ब्लॉग। सच तो ये था कि कौन कहाँ है यह पता चलता। अमित भाई को मैंने पहले बोल दिया था कि इस तरह से है वंदना दी को, लेकिन जब मैं देखा कि अमित भाई के बेटे का जो है कि तबीयत सही नहीं है, और कुछ दिन पहले तितली की भी, यहाँ से कोलकाता जाने के पहले तितली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप सभी को पता है इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ था पड़ा था, तो हम लोग सच बताए ना तो इस गर्मी के कारण ना चाहते भी नहीं थे कि सच में कोई आए लिटरली, क्योंकि देखो गाइस किसी को बुला के फंसा नहीं देना था ना, क्योंकि हमारे पास उतनी वहाँ पे जहाँ पे था जिस होटल में वहाँ पर उतनी व्यवस्था ठीक थी नहीं, और फिर एक बच्चे को लेके आना, तो मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ कि कितनी समस्या होती है। एक कोई दूर से अगर अमित भाई भी आते तो 1000 किलोमीटर से भाई दिल्ली से आना इट्स टू टफ, और इस तरह का भाई 46-45 डिग्री टेम्परेचर था, और उसमें हम लोगों की हालत ख़राब हुई थी सगाई के दिन। मैं आपको क्या बताऊं, प्रियंका दीदी जो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है आप सभी को पता है, बहुत अच्छी भी हैं, टचवुड वो आई थी निशा को सजाने के लिए, हमारी जो नई बहू है उसको सजाने के लिए, ऐसा हुआ कि लास्ट में इन लोग को अपना मेकअप धोना पड़ा, उस लड़की जो है उनको भी इतनी गर्मी थी, रूम का जो एसी का लाइन था वो सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण एसी चलना बंद हो गया, आधा मेकअप तो हुआ था, आधा मेकअप के बाद से इन लोगों को चेहरा धोना पड़ा, क्योंकि इतनी गर्मी मैंने सच में कभी, ऐसे भी आप सभी को पता है कि पूरे भारत में इतनी गर्मी अभी तक इससे पहले तो नहीं थी, जो इस तरह की गर्मी यार मतलब 50 डिग्री तक चली गई थी टेम्परेचर, तो इस तरह का जो सिचुएशन था जिसके कारण मैं नहीं चाहता था कि अमित भाई को भी मैं मतलब हिम्मत ही नहीं कि मैं बोलूँ, क्योंकि बाबू की तबीयत सही नहीं थी और मैं बिजी था, लिटरली मैं बिजी था, इसके कारण मैंने कोई कॉल वगैरह नहीं किया, कि मैंने बोला चलो अब सबको शादी में देखते, उस समय ठंड का समय है, बट मैं उनको कॉल भी नहीं कर पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बट ऐसा लग रहा था कि यार एक बार कॉल कर रहे थे उनके बाबू का तबीयत सही नहीं है, क्योंकि देखिए सुख में आप साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन दुख में हमेशा किसी ने किसी के खड़े होना जरूर चाहिए किसी को भी, तो मैं सोचा कि यार चलो जो भी हो एक बार मैं कॉल करूँगा, बट चलो आज भी मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं कॉल करूँगा, क्योंकि पूरी थकान अभी मतलब समझ मैं आपको बता ही नहीं सकता, मतलब 3 तल्ला होटल था वो और लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट भी नहीं था, और ऊपर से मैं 400-500 बार ऊपर नीचे किया हूँ ना, मतलब 2 दिन में कि मेरा ना जो लीगामेंट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें पूरा वो फूल गया था मेरा जो पाँव होता है पूरा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उसमें, 2 दिन तो उसको ठीक करने में ही लगा, अभी भी बहुत मतलब ना वो बोलते हैं ना भोजपुरी में कचक टाइप का है वो, एकदम चलने पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि बोन में बोन सट जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो ये सारी समस्याएँ थी कि अमित भाई को हम नहीं बुला पाए। उसके बाद मैंने अंकुश भाई को भी मैंने इनवाइट किया था, वंदना दीदी इन लोगों को नहीं बुलाया था, अंकुश भाई को भी बुलाया था, बट गर्मी इतनी थी कि दिलीच्छा मेरी थी, मुझे अभी कोई भी अभी भी है गर्मी, और मतलब दिलीच्छा थी कि सभी को बुला लेता यहाँ पे, और खास करके हमारा जो एरिया है वहाँ पे अच्छा होटल भी नहीं है, अच्छा होटल भी नहीं, और मैं अब यहाँ पर हूँ और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में होटल रखूँ, तो वो चीज़ें भी बहुत टफ थी, गांव है छोटा सा तो वो सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ थी, और घर में ऐसा नहीं, घर मेरा बड़ा है, बट आपको पता है कि घर का फंक्शन है तो इतने सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे कि घर ही पूरा
ओवरऑल पैक्ड हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस थे, और मतलब बिल्कुल मम्मी जी से जब बात हुई तो बोले कि तुम हमें नहीं बुलाए, रुद्र पूजा बोला। तो रुद्र पूजा को इसलिए क्योंकि रुद्र पूजा हमारे साथ जस्ट ट्रिप पे भी थे, और उनका घर ना हमारे घर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा भी नहीं, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं रुद्र पूजा बुलाऊं और बाकी सभी को नहीं बुलाऊं। तो रुद्र भाई को मैंने बोल दिया, तो वो भी पूजा को, वो भी उनका भी आना पॉसिबल नहीं था सच बताओ तो। उन्होंने जबकि निशा ने तो झगड़ा कर लिया पूरे पार्टी के बीच में, तो लास्ट मोमेंट पे मैंने उनको मतलब उन्होंने फ़ोन किया कि पंकज भाई दिक्कत तो हो रही है बट क्या मैं अकेले आ जाऊँ, पूजा को लेके नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं आप आ जाओ, उतनी गर्मी में आए, उनको थोड़ा सा गर्मी लगता भी है बहुत ज़्यादा, होता है बहुत लोगों को, बट फिर भी वो आए, वो आए, संजीव भी आया, तो बहुत अच्छा लगा। संजीव भाई हमारे BTS बिहाइंड द सीन, वो आया। काजल मिथुन पहुँचे, नागवंती भाभी जो थी वो आई, तो ये भी एक सरप्राइज था हमारे लिए, बट ऐसा लग नहीं रहा था सच बताऊँ तो, जो गर्मी थी क्योंकि मिथुन भी ऑलरेडी एक रात पूरा सोया नहीं था, वो घर पे मिट्टी गिरवा रहा था जब मैंने उसको मैसेज किया कि सुबह में 7 बजे, क्योंकि गाइज ऑलमोस्ट हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं ना, क्योंकि मेरा तो स्कूल रहता तो मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठना रहता, चाहे मैं कितना भी लेट सो, मुझे एट मैंने किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट मुझे स्कूल टाइम पे, मतलब टाइम के 1 घंटा बिफोर पहुंचना रहता है, और मैं जाता भी हूं। मतलब रेंट, मतलब कभी ऐसा होगा साल में एक दिन कि मैं ना जाऊं, बट बाकी दिन मुझे जाना ही रहता है। तो मिथुन का भी मुझे लग रहा था कि शायद वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो सबसे बड़ी जो चीज़ें थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यस बेटा यस तितली आ गई, तो गर्मी जो थी वो बहुत ख़तरनाक थी। और ऐसा कुछ नहीं है, सचिन भाई से अभी भी प्यार है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मनीषा तो मुझे कॉल भी की थी कि जी तू जानते हम लोग आते, लेकिन अब क्या ही बोले, पापा जी आए तो वो देखेगा। मुझे लगता है कि परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, हम लोग हैं, हमारा भी, हम लोग भी एक परिवार की तरह हैं, बट अपने अपना जो खास जो एक होता है ना अपना परिवार, उसको प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को देनी चाहिए, चाहे जो भी हो लाइफ में, उसके बाद ही। हाँ, खासकर भाई बड़े बेटे हैं, बड़ी बहू हैं, तो सबको देना पड़ता है प्रायोरिटी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से, मैं दुखी नहीं हूँ कि सचिन भाई नहीं है, बट हाँ वो बोले मुझे मैसेज के कि कोई बात नहीं अभी तो ऐसा है, मैं आऊँगा तो घर पर मिलूँगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे इन्विटेशन वगैरह आया हुआ है, तो अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। क्योंकि पूजा ने फिर से कॉल किया था कल और बोला कि मतलब मैंने थंबनेल लगाया था इस तरह के, जब ये रो रही माँ रो रही थी तुम जा रही थी, तो बोले कि ऐसे क्यों, क्या थंबनेल लगा दिए हैं। तो फिर मैं ऐसी बातचीत कर रहा था, तो तब मुझे पता चला, एक्चुअली मुझे ना एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भैया मैं कि सचिन भैया नहीं, मैंने बोला हाँ यार सचिन भैया नहीं आए क्योंकि उनके मम्मी पापा वहाँ पर चले गए थे। तो उसने मुझे बोला कि भैया उनके पापा सिर्फ गए थे, मम्मी नहीं, क्योंकि कहीं सच में बताऊं तो बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी थे। अगर हम लोग किसी का ब्लॉग देखते तभी पता चल पाता है ना कि हाँ कौन गया है कौन नहीं गया है। और प्रिंस रंजना ये मेरे से पूछे क्या बोल दिया, मैंने बोला कि वो तो है नहीं, वो तो मुझे लगा कि यार नहीं, तो मैं ऐसा साथ में ही आते, मम्मी जी को बोलने से बोलो कि साथ, हाँ साथ में ही आते। तो मतलब मैंने भी सोचा कि यार चलो पेरेंट्स हैं तो पहले पापा जी को ही मैं बोल दूँ कि आने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया। रुक जी, आ गए क्या आप? हाँ ठीक, तो आंटी आ गई जो काम करने वाली होती है, वो भी आ गई हैं। तो इतना सारा जो कन्फ्यूज़न हुआ, आधा हम लोग के ब्लॉग नहीं देखने के कारण, थोड़ी बहुत तो गलती है हमारी, बट गर्मी जो है ना, हम नहीं चाहते थे कि कोई आके परेशान हो, क्योंकि हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग इतने परेशान थे पूरे पार्टी में कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है। और किसी को भी हक नहीं बनता है कि किसी को बुला के आप, क्योंकि मेरे घर का फंक्शन है, मैं खुद ही उनको अटेंशन नहीं दूँ, मैं बिजी रहूँ आके, मतलब एक बेवकूफ़ की तरह बैठे, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं इस शादी में, जैसा होगा आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी आगे चल के सब कुछ आपको बताएंगे। बट हाँ, शायद जितने भी लोगों का कॉमेंट्स वगैरह था वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो ये वो चीज़ है, प्लीज़ आप लोग निगेटिव कमेंट्स ना नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स मतलब आए थे। तो कुछ ने तो ये लिखा था कि हाँ ये लोग अब बड़े हो गए हैं, बड़े यूट्यूबर। अरे भाई साहब, यूट्यूब बनाना होता जाके देखो मैं महीने में कितने वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, और एक दिन में मैं फ्री भी रहता हूँ तो भी एक डाल दिया वही बहुत है। मुझे लगता है चलो एक डाल दिया, क्योंकि एक आप लोगों से प्यार है, जो लोग देखते हैं, जो हमें चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं। अगर एक दिन भी वीडियोस नहीं आता तो तुरंत वो मैसेज करने लगते हैं, भैया क्या बात है मैसेज। और सबसे ज़्यादा इसे प्यार देते हैं, इसे प्यार देते हैं हमारे।
तितली को प्यार देते, अभी हाजमोला का पैकेट लेकर फाड़ने की कोशिश कर रही है, अभी आम खा रही, अभी आम खा रही, तो इनका यही काम है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको बताना था, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हम इन्वाइट करना चाहते थे बट नहीं किए थे, तो कोई बात नहीं, सबको इन्वाइट करेंगे फिर से। वंदना दीदी भी हो गई, दीपक भाई, अब बहुत लोगों को हमने कॉल भी किया, लेकिन अब सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा इंगेज था क्योंकि इस इंगेजमेंट के दो दिन पहले मैं खुद ही आया था, और अगले दिन इंगेजमेंट ही था, एक दिन समय था जिसमें मुझे पटना से मिठाई वगैरह लाना था, होटल वगैरह जाके सब कुछ सही करना था, बात करना था, और होटल जाके देखने के बाद ही मेरा मन छोटा हो गया था क्योंकि भाई ने जाके थोड़ा बहुत बुक किया था होटल को, और उसे भी उतना आइडिया नहीं था, वो हालांकि था सारा व्यवस्था प्रॉपर बहुत अच्छा था, बस एसी नहीं था, मतलब एसी था बट एसी काम नहीं कर रहा था उसका क्योंकि तार वगैरह शॉर्ट कर गई थी, और 6 बजे तक एसी चली, जब पार्टी शुरू हुई 7 से, मतलब हमारा टाइमिंग था, तभी से एसी चलना बंद हो गया। और ख़ास बात पता है गाइस, ये बैड लक भी था हमारा, दीदी भी हंस रही थी जो मेकअप करने आई थी, कि जब पार्टी ओवर हो गई रात को 12 बजे जब हम लोग रूम में गए तो देख रहे कि सारे रूम में पूरा एसी चल रहा है, जो इतना मतलब डिस्कस्टिंग था हमारे लिए, मतलब इतना खुद पे गुस्सा भी आ रहा था, इसका इशू आ गया था। अब जो भी इशू हो, लेकिन जब रात में 12 बजे के बाद अपने आप फिर एसी चलने लगा, और होटल वाले ने भी मतलब जब मैं गुस्सा हुआ था वो भी बहुत परेशान हुआ, किसी तरह कोशिश किया कि चल जाए एसी, लेकिन नहीं चला। तो यही वो सारी चीज़ें थी, बट चलिए कोई नहीं, आप लोग बने रहिएगा, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, और अभी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत ब्लॉग्स आने वाली, क्योंकि हम लोग बहुत कहीं कहीं जाने वाले हैं, अभी तो हमें जाना है शाम में शॉपिंग करने के लिए, तो चलिए अभी हमें थोड़ा बहुत आराम भी करेंगे हम लोग गाइस, क्योंकि एक दो दिन में स्कूल वगैरह खुल जाएगा, फिर ड्यूटी हार्ड हो जाएगी, तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आप लोग भी ब्लॉग को देखिए, इंजॉय कीजिए, और प्यार दीजिएगा, मैं प्यारा प्यारे कमेंट्स दीजिएगा तितली के लिए, और ज़रूर बताइएगा कि देवरानी हमारी कैसी है, निशा की मतलब देवरानी जो होने वाली बहू है बहुत प्यारी है वो। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा।